नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी MR का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के नेवी MR के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप जो है सोच रहे हैं इंडियन नेवी MR की प्रिपरेशन की, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन नेवी MR के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी बातें आप सभी को पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। कुल जो है यहां पर 50 क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी को पता है नेवी MR में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका जनरल अवेयरनेस का होता है और सेक्शन बी आपका जो है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का होता है। तो दोनों सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन जो है इस मॉक टेस्ट में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपकी जो है रहेगी यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी जो है यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपके पास जो टाइम रहेगा वो केवल और केवल 30 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें आपको जो है 50 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, दोनों ही सेक्शन में आपको कम से कम 5-5 मार्क्स लेकर आने होंगे, क्योंकि 5-5 मार्क्स जो है यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब जो है हमारे नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है। एम्पियर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है। ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है विभांतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे थे तो बिल्कुल करेक्ट है। अपने क्वेश्चन साथ के साथ काउंट कीजिएगा और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों WBC का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो WBC का जो है पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है बैट साउंड इज, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि को निकालता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अल्ट्रासोनिक यानी परास्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी है इंफ्रासोनिक यानी अपसरव्य तरंगे, ऑप्शन सी है दोस्तों ऑडिबल यानी श्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर सोचिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सोचा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका एक नंबर जो है यहाँ पर जुड़ जाता है। परास्रव्य तरंगे जो है निकालता है, जो परास्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है परास्रव्य तरंगों की वो आपकी 20 किलो हर्ट्ज से जो है ज़्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है परास्रव्य तरंगों की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम प्रतिरोध वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम प्रतिरोध वाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लोएस्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चांदी, लोहा, तांबा और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सोचा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चांदी जो होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है और यहाँ पर इसकी जो कंडक्टेंस होती है दोस्तों, कंडक्टेंस मतलब चालकता, ये सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यूरेनियम, कोबाल्ट, सिल्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कोबाल्ट धातु का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, तो बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूखा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द रिकेट्स अक्कर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। रिकेट्स यानी सूखा रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन
डी की कमी से होता है, विटामिन डी, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर है उसमें निहित ऊर्जा होगी। इफ अ बॉडी इज एट सम हाइट द एनर्जी इन साइड इट विल बी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, ये क्षैतिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है दोस्तों दोनों यानी बोथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी उसमें कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो बिटवीन मून एंड अर्थ इज। दोस्तों पृथ्वी पर और मून पर आपको बताना है कि कितना जो है इनका गुरुत्वाकर्षण का रेशो है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1/6, 1/7, 1/5, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए कि मून पर जो है कितना है और अर्थ पर जो है, यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का भार अर्थ पर 60 किलोग्राम है तो मून पर यहाँ पर कितना होगा, केवल 10 किलोग्राम होगा। यानी कितना है दोस्तों, 60/10 यानी 1/6 दोस्तों यहाँ पर जो है मून और अर्थ का जो है रेशो होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, एंगस्ट्रोंग किस राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रोंग इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लंबाई यानी लेंथ होती है दोस्तों, चौड़ाई आप सभी को पता है ब्रेड्थ होती है, और ऊर्जा यानी एनर्जी होती है, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, एंगस्ट्रोंग जो होता है वो आपका लंबाई का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रोंग क्या होता है दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है, और आप सभी को पता है एक एंगस्ट्रोंग कितना होता है, 10^-10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, जल्दी से देखिए और बताइए कि क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, उपकेंद्री बल को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। जल का घनत्व पूछिए दोस्तों, डेंसिटी आपसे पूछी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम ऑन विच टेम्परेचर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4°C, -4°C, 32°C, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, और अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 4°C पर जल की जो डेंसिटी होती है, मतलब जो घनत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। और इस तापमान पर दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जल का वॉल्यूम कितना होता है तो वो कितना होता है, मिनिमम होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, हीरे की चमक का क्या कारण होता है। व्हाट इज़ दी रीजन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, ऑप्शन सी है दोस्तों परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इसका आंसर TIR को चुना है यानी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है हीरा इतना ज़्यादा चमकता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, बारिश की बूंदों का आकार किसके कारण गोलीय होता है। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों, बारिश की बूंदों का आकार किसके कारण गोलीय होता है। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, जब बारिश की बूंदें होती हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है वो गिरती हैं, इस प्रकार से जो है वो गिरती हैं दोस्तों, तो किस कारण जो है ये शेप होता है। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, संयंता यानी विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, वायुमंडलीय दाब यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, सरफेस टेंशन को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें होती हैं वो दोस्तों स्फेरिकल होती हैं,
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था, आपका जो सेक्शन बी होता है साइंस का आप कह सकते हैं, या फिर सेक्शन ए कुछ भी कहिए, दो सेक्शन होते हैं ए बी। हाँ जी, ये किस में होता है दोस्तों? ये जो है मैथ और साइंस में डिवाइड होता है, मैथ और साइंस में। यहाँ पर दोस्तों 60% जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40% लगभग मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 25 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों ये। और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिलो 50। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिलो 50 यानी 50 से जो है छोटे, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से सोल्व करके बताइए। आपसे पूछा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद दोस्तों 23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31 हो गया, उसके बाद 37 हो गया, उसके बाद दोस्तों 41 हो गया, उसके बाद 43 हो गया, और उसके बाद जो है 47 हो गया। हाँ जी, ये जो है क्या है दोस्तों, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये कितनी है दोस्तों, इन्हें आप गिनिएगा तो ये हमारे पास जो है 15 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 50 से छोटी हमारे पास जो है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ के साथ अपने क्वेश्चन नोट करते रहिएगा दोस्तों, और लास्ट में मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी एमआर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, जैसे आपका जो है जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसके बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिस प्रकार ऑनलाइन एग्जाम होता है ठीक उसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन सेट लगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंडियन रोजगार को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए। उसमें दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक डेमो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इंडियन नेवी एमआर का, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया है। एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगे तो आप जो है और 10 मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इफ़ द प्राइस ऑफ $15 इज 35, देन फाइंड द प्राइस ऑफ $39। यानी दोस्तों 15 जो गुड़ियाँ हैं उनका प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 35 रुपये दिया हुआ है। तो आपको 39 यानी 39 गुड़ियों का जो है प्राइस निकालना है, डोल्स का प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपल है, 35 का आपको दिया हुआ है अपॉन 5 × 39, तो आप जो है इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपके पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 91। तो 91 देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप जो है साथ के साथ निकाल सकते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी एडेड इन 361। दोस्तों 3631 में आप जो है क्या ऐड करें, सो डैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, कि ये दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, ऑप्शन आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 631 के नियर बाय देखे दोस्तों ऐड करना है, यहाँ पर ध्यान देखिए। अगर दोस्तों आप सभी को पता है इसमें से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 625 बन जाएगा, मतलब ये किसका होता है, ये दोस्तों 25 का जो है स्क्वेयर होता है, लेकिन हमें जो है ऐड करना है। तो यहाँ पर देखे दोस्तों 26 का स्क्वेयर निकालिए आप कितना होता है, तो 26 का स्क्वेयर दोस्तों होता है आपका शायद से ये होता है 676। अब दोस्तों आप जो है इसमें से 631 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45। तो 45 ऐड करने होंगे दोस्तों, तब ये जो है इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट मेजर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल विद 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको वह छोटे से छोटा माप ज्ञात करना है जो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो है ऐसा जो है मेजर निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर निकालिए इन सभी को मीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 350 का 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दोस्तों आप जो है इसे 480 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 560 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे
अब दोस्तों आप जो है इनका एलसीएम निकाल लीजिए, और आप सभी को पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे उसके बाद देखेंगे क्या जो है आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1680 आपके पास जो है ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 168 जो है मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आपको जो है दो इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में दोस्तों आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान क्या होगा। इक्वेशन है दोस्तों 2x+3y=29, y=x+3। दोस्तों सिंपल है, आपको जो है यहां पर देखिए y की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, x+3 दी हुई है। आप सिंपल जो है इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन एक में। इक्वेशन एक मान लीजिए ये, और ये मान लीजिए दोस्तों दो। सिंपल आपको यहाँ पर करके नहीं दिखाना दोस्तों, सिंपल आपको आंसर देना है। अगर आप दोस्तों y की वैल्यू को इक्वेशन एक में पुट कर दोगे तो y के स्थान पर दोस्तों आपको सिंपल जो है वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर जो है आपको सिंपल इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आसानी से आप जो है इसे सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आप अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आपकी 4 आ जाएगी। तो देखिए 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5x हो गया दोस्तों, और ये 9 अगर 29 में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 20 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 यानी 4 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी साथ के साथ सोल्व करने की कोशिश जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 105 सेंटीमीटर। इफ 120 सेंटीमीटर एवरेज हाइट 20 स्टूडेंट इंक्लूडेड इन द क्लास, देन फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, यदि उनमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 20 विद्यार्थियों को और शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा की नई औसत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो है एक बार ट्राई कीजिए इसे। हाँ जी बिल्कुल इजी है। यहां पर देखिए 10 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी दी हुई है दोस्तों, 10 स्टूडेंट्स की दी हुई है 105। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप 10 स्टूडेंट्स की निकालेंगे तो 105 दी हुई है। यहाँ से देखिए दोस्तों अगर हम कुल हाइट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 × 105, तो ये हो गए दोस्तों 1050 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दोस्तों 20 स्टूडेंट्स की कितनी दी हुई है, 20 स्टूडेंट्स की आपको हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2400 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगी, 2400 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप नई निकालोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नई निकालने का सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कुल हाइट बटे कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज निकालनी है तो कुल हाइट कितनी होगी दोस्तों, 1050 + 2400 कुल हाइट हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले थे हमारे पास 10 और 20 थे बाद के, तो कितने हो गए दोस्तों। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो है क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो है इसे सिंपल सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी आप जो है सिंपल इसे सोल्व कर सकते हैं, और आपके पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 115 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई जो औसत ऊंचाई होगी दोस्तों कक्षा की वो जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें क्लियर होंगी। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर हैव सम एप्पल्स एंड ही सेल्स 40% ऑफ टोटल एप्पल्स, आफ्टर दैट ही रिमेन्स 420 एप्पल्स, देन फाइंड हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड इन स्टार्टिंग। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एक बार मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। एक दुकानदार के पास कुछ सेब थे जिसमें से उसने उनका 40% बेच दिया। दोस्तों एक मान लीजिए कोई भी जो है अमाउंट था उसके पास 1000 थे 2000 थे, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर उनका जो है 40% तो उसने बेच दिया दोस्तों। 40% बेचने के बावजूद भी उसके पास 420 एप्पल जो है बच गए हैं, 420 एप्पल जो है उसके पास बच गए हैं, तो शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो आप जो है बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने सेब थे, एक्स सेब थे दोस्तों। कब, शुरुआत में दोस्तों उसके पास कितने सेब थे, एक्स सेब थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, एक्स का जो है 60% सेल कर दिया, मतलब दोस्तों उसके पास 40% बचा है, तो कहने का मतलब यही है कि 60% जो इसने सेल कर दिया होगा, तो कितना आया दोस्तों हमारे पास, 420 जो है आ गया है।
यानी कितना बच गया दोस्तों, क्योंकि 40% तो उसने सेल कर दिया, 60% बच गया है, तो 60% बचे हुए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 420 दी हुई है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, एक्स की वैल्यू सिंपल दी हुई है 420 गुणा 100, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों आपकी 60। तो आप अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आप आसानी से जो है इसे सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आप आसानी से जो है इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी दोस्तों 700, 3 1 3 और 3 4 12, हाँ जी 700 जो है आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट अगर आपको हो। 22 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसका विक्रय मूल्य आपको 120 रुपये दिया हुआ है और हानि आपको 20 रुपये दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इफ इट सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज एंड लॉस इज 20 रुपीज। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 120 और हानि दी हुई है 20 की, तो यहां पर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लॉस दिया होता तो घटा देते, तो यहां पर सिंपल 140 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इफ अ वर्क इज डन बाय ए एंड बी, दोस्तों ए और बी का जो काम है वो 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 दिन में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य आप निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बी ए जो अकेला है, ए अकेला दोस्तों काम को 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम आप जो है निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और आप सभी को पता है आपको बी का अकेले का काम निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी के एक दिन के काम में से यानी 1/8 में से अगर आप 1/12 घटा देंगे, एलसीएम आ गया आपके पास 24 और यहां पर हो गया दोस्तों 3 - 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 1/24 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको रेसिप्रोकल करना होता है, क्योंकि ये जो है बी का एक दिन का काम है और बी कुल कितने दिन में काम करेगा, 24 दिन में काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 दिन, 24 डेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 816 किलोमीटर, यानी 816 किलोमीटर की जर्नी है दोस्तों, और ये क्या है, आप सभी को पता है डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये जो है टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पर टाइम है आपका 12 घंटे, 12 घंटे दोस्तों क्या है टाइम है, और यहाँ पर आपको स्पीड निकालनी है, तो आसानी से आप स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों 816 किलोमीटर क्या है, दूरी है, हाँ जी दूरी आपको कितनी दी हुई है, 816 किलोमीटर। समय आपको कितना दिया हुआ है, 12 घंटे का जो है समय दिया हुआ है, और आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो आपको सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड होती है, दोनों ही किलोमीटर और हावर में, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप सिंपल कैंसिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 68 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस जो है मैथमेटिक्स के सेट का। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का आपको मान निकालना है दोस्तों। तो कोट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 60 होता है दोस्तों, टेंजेंट 60 इक्वल टू कोट 30 डिग्री होता है, तो टेंजेंट 60 आप सभी को पता है √3 होता है, तो ये भी क्या होगा, √3 होगा, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों टेंजेंट 30 डिग्री का 1/टेंजेंट 30 डिग्री होता है, तो 1/√3, 1/1/√3 आप निकालेंगे तो √3 हो जाएगी। तो आप जो है किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर आप सिंपल याद है तो सिंपल आप कोट 30 डिग्री को कह सकते हैं कि 1/√3 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मैथमेटिक्स और जो है जनरल साइंस की है। अब जो है सेक्शन बी स्टार्ट होता है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का, तो देखते हैं सेक्शन बी को। दोस्तों हमारा जो है ये सेक्शन बी है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का है। यहाँ से भी आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस के कुल मिलाकर जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। ये आप कम से कम प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट जो आपके इवेंट्स होते हैं उन्हें भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों कम से कम आपको 5 नंबर जो है इस सेक्शन में भी स्कोर करने होते हैं। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, जो कि आपको कंपलसरी जो है 5 मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन पर आ चुका है, द सेलआउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक, हु इज द राइटर ऑफ द बुक सेलआउट। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पॉल बेटी, अरविंद अडिग,
एलिनोर केटन और हावर्ड जैक बसन, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है लावणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, लावणी फोक डांस इज रिलेटेड विद विच स्टेट। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है महाराष्ट्र, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों, विच कंट्री इज नोन एज दी कंट्री ऑफ राइजिंग सन। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नॉर्वे, जापान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है जापान को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बाकी जो नॉर्वे होता है इसे अर्धरात्रि का देश भी कहते हैं, अर्धरात्रि का देश दोस्तों नॉर्वे को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और उगते सूर्य का देश दोस्तों जापान को कहते हैं, और भारत का उगते सूर्य का राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, नाटक स्वेट के लिए 2017 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था, Who gets the Pulitzer Award of 2017 for Play Sweat? चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, लीन नोटेज, हिसाम मातर, हीडर एंड थॉम्सन और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कोल्सन वाइट। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महारत्नों की सूची में नहीं आता है, यह आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महारत्नों की सूची में नहीं आता है। महारत्न क्या है दोस्तों, ये भारत की काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है कंपनियाँ होती हैं, जो आप सभी को पता है, जैसे ऑयल इंडिया हो गया दोस्तों, उसके बाद कोल इंडिया हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गया, उसके बाद भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारी भारत की महारत्न कंपनियां हैं, और इनमें दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो है नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द जर्म्स विच कॉजेज मलेरिया। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, क्रोस्टियन, बर्नार्ड, चार्ल्स लुई, इवांस इवनोवस्की और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मार्टिन्स विलियम्स। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या जो है आपने इसका ऑप्शन टिक किया है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, हु बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल, अनंत वर्मन, चोड़ गंगा देव, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम, और ऑप्शन सी है दोस्तों यहां पर पुरुषोत्तम देव, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, हु एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सुकुमार सेन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद किस शहर में है, इन विच सिटी दी सिदी बशीर मॉस्क्यू सिचुएटेड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कानपुर में, अहमदाबाद में, रांची में या फिर जयपुर में। दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों, और झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहां पर है, अहमदाबाद में है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जो है डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों, ये आपसे नहीं पूछा है किसने की है, आपसे ये पूछा है दोस्तों कहाँ पर की गई थी, बाकी रास बिहारी बोस जो है फाउंडर थे आज़ाद हिंद फौज के, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, एट वेयर दी आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या फिर इटली। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है सिंगापुर को, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय कला से संबंधित हैं, माधुरी दीक्षित इज रिलेटेड विद विच इंडियन डांस। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली।
दोस्तों जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या जो है इसका आंसर होगा। हाँ जी, अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कथकली से संबंधित है भारतीय अभिनेता माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? प्रतिबंधित का मतलब होता है दोस्तों बैंड है। आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेसबुक हैज बैंड, मतलब दोस्तों वहां पर आप जो है डायरेक्टली फेसबुक यूज नहीं कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है दोस्तों चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी को पता है चाइना में दोस्तों गूगल के सभी प्रोडक्ट जो है बैन है, इनफैक्ट गूगल भी बैन है वहां पर, अपना खुद का जो है एक चैट मैसेजिंग ऐप है जो कि है वी चैट, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल्दी से बताएं दोस्तों क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक समावेश और जो है आर्थिक सुधार। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि नीति आयोग जो है आ गया है, पहले योजना आयोग था अब जो है नीति आयोग आ गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं देश के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी दुविधा और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रजिया सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी है तो इनमें से कोई नहीं। ऑफिशियल जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों ऑफिशियल फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? इन तमिलनाडु द जलीकट्टू इज द पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल। दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ओणम, पोंगल, भरतनाट्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या जो है करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम तो आप सभी को पता है नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर है? एट प्रेजेंट विच स्टेट हैज मैक्सिमम मेल फीमेल रेशियो। दोस्तों मेल फीमेल रेशियो का कहने का मतलब यह है कि किस राज्य में हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपसे जो है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट भी दोस्तों केरल ही है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है अभियान है और आप सभी को मन से जो है इसे सपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट हेल्पर रिवर इन इंडिया। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यमुना, सतलुज, गोदावरी या फिर नर्मदा। दोस्तों सबसे लंबी नदी आप सभी को पता है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसी भी नदी की भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कहता है सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। इसका आंसर तो आप बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं, गंगटोक दोस्तों सिक्किम राज्य की राजधानी है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कोंकणी और ऑप्शन डी है हिंदी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तमिलनाडु की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है? तमिल है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कहता है भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत था? विच इज द इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर वारशिप। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, INS विक्रांत, INS गंगा, INS वरुण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप कौन सा था? तो ये था दोस्तों INS विक्रांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये कई ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों स्वर्ण पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्वर्ण पगोड़ा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फिनलैंड, बर्मा, यरूशलम और जपान। ये जो स्वर्ण पगोड़ा का देश है दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश है और सीमा भी शेयर करता है, तो बर्मा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मा किसका जो है पुराना नाम है दोस्तों, म्यांमार का जो है पुराना नाम है, म्यांमार का दोस्तों पुराना नाम है बर्मा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर दी नागार्जुन डैम सिचुएटेड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, भगीरथी, कावेरी, चंबल या फिर कृष्णा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है तुर्की देश की मुद्रा क्या है, विच इज़ द करेंसी ऑफ टर्की। दोस्तों टर्की देश की मुद्रा क्या है, ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है पिसो, ऑप्शन सी है लीरा और ऑप्शन डी है रूबल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, टर्किश लीरा है। टर्किश लीरा दोस्तों क्या है, ये जो है आपकी ये दोस्तों ऑफिशियल जो है करेंसी है टर्की की। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंडियन नेवी MR का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों कुल जो है क्वेश्चन हमारे पास कितने थे, टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास थे दोस्तों वो 50 क्वेश्चन थे और यहाँ पर मार्क्स कितने हैं, मार्क्स भी जो है टोटल 50 हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एक मार्क्स का है, 0.25 मार्क की जो है नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 50 में से कितना जो है स्कोर किया है। आप सिंपल ये बता दीजिए कि आपने जो है कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। जो गलत हैं दोस्तों उन्हें आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.25 से, उसके बाद जो आपके टोटल ठीक मार्क्स हैं उनमें से घटा दीजिएगा, आपका टोटल स्कोर जो है आ जाएगा। ये आप कमेंट करके जरूर से बताएगा। अगर आप इंडियन नेवी MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप में दोस्तों आप जो है नेवी MR के 11 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। एक डेमो टेस्ट है दोस्तों, उसे जरूर से लगाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो अदर ऑनलाइन टेस्ट भी आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन मोड में है, कहने का मतलब ये है जिस प्रकार आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है नेवी MR का, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है हमने इन MR के 10 ऑनलाइन टेस्ट को बनाया है दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी जो है ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला डेमो टेस्ट आप जरूर से लगाइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ से आप जो है नेवी MR के लिए बेस्ट GK और साइंस की बुक का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर आपको हो, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप डेली जो है नेवी MR की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जो है नेवी MR की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अनअकैडमी पर सर्च कीजिए रविंदर, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पर जो है हम डेली लाइव क्लास लेते हैं, डेली 8 AM दोस्तों हम जो है साइंस की लाइव क्लास लेते हैं और शाम के 7 बजे दोस्तों हम GK की लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास होते हैं दोस्तों, आप सभी अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, फ्री हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो जो है ये 100% फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पर आप सिंपल सर्च कर सकते हैं इंडियन रोजगार ऑफिशियल, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/IndianRozgarOfficial। ये हमारा जो है URL है टेलीग्राम का। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में स्कोर जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।